Good morning, students. I am Suryesh Pratap Singh, your English teacher. Welcome you all the students who have reached in class 10th for the new academic session 2020-21. Students, before starting our online classes, I would like to tell you the syllabus of the class 10th, which is prescribed in your course. So generally, aapke jo syllabus hai, usme teen जो बुक्स प्रेस्क्राइब्ड हैं उसमें पहली बुक्स है आपकी फर्स्ट फ्लाइट जो टेक्स्ट बुक है और आपकी प्रोज बुक भी है सेकंड आपकी सप्लीमेंट्री रीडर दैट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है और तीसरी बुक जो आपके यहाँ है वो वर्क बुक है ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर की तो सिलेबस वैसे डिटेल सिलेबस आपको नीरज सर प्रोवाइड कर चुके हैं आप इसी ग्रुप में तो आप वहाँ से सारे बच्चे उस सिलेबस को प्रिंट ले लें प्रिंट लेने के बाद आप उसको सभी अपने पास रखें और कोशिश करें कि उसे दो तीन बार आप उसे पढ़ लें अच्छी तरह समझ लें और जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं उसको जैसे ही हमारी क्लासेस रिज्यूम होती हैं तो हम उसमें आपको वो सारी चीज़ें जो भी डाउट्स होंगी आपके सिलेबस के रिगार्डिंग उसे हम वहाँ पर क्लियर करेंगे तो आज फिलहाल हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको जो आपके सिलेबस में जो प्रिस्क्राइब्ड है फर्स्ट फ्लाइट में जो फर्स्ट चैप्टर आपका है अ लेटर टू गॉड उसे आपको बताने का उसको एक्सप्लेन करने का ये हमारा इंटेंशन है तो फिलहाल सभी लोग इसको ध्यान से वीडियो को पढ़ेंगे एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार पढ़ सकते हैं पढ़ के अच्छी तरह से इस एक्सप्लेनेशन को समझ लें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को आप अपने घर पे अपने असाइनमेंट के रूप में उसको आप होमवर्क के रूप में उसे आप अपनी कॉपी में रिकॉर्ड में रखेंगे जैसे ही क्लास रिज्यूम होती है तो आप उसे हमसे चेक करवाएंगे और जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको हम वहीं पे जो है सॉर्ट आउट करेंगे ठीक है तो आते हैं हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर पर स्टूडेंट्स तो हम लोग यहाँ पे अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फ्लाइट का अ लेटर टू गॉड जो लिखा गया है जीएल फ्यूंटिस के द्वारा तो जीएल फ्यूंटिस जो एक राइटर है क्रॉनिकल राइटर है बहुत सारी स्टोरीज को इन्होंने प्रोड्यूस किया है और ये लैटिन अमेरिका का एक शहर मैक्सिको से बिलोंग करते हैं ठीक है तो जहां तक है ये स्टोरी भी आपको मैक्सिको से ही बैकग्राउंड इसका लिया गया है तो हम लोग देखते हैं स्टोरी में क्या है वो तो पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं स्टोरी का एक ब्रीफिंग क्या कहते हैं यहाँ पे बिफोर यू रीड दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स तो कुछ लोग जैसा कि आपने सुना ही होगा बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि विश्वास एक ऐसी चीज होती है जो पर्वतों को भी हिला सकती है बट वट शुड बी पुट आवर फेथ इन लेकिन बात यह होती है कि हम अपना विश्वास किस चीज पर करें दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पोजेज और यही वो प्रश्न है जिसे कि ये जो स्टोरी है वो बहुत ही शालीनता से हमारे सामने प्रस्तुत करती है लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड When his crops are ruined, asking for 100 pesos. तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे pesos लिखा हुआ है ये pesos जो है ये मैक्सिको की करेंसी है तो लेंचो एक किसान है जो ईश्वर को एक पत्र लिखता है और ये लिखता कब है जब उसकी फसल पूरी तरह से ruined हो जाती है बर्बाद हो जाती है asking for 100 pesos और वो भगवान से 100 पैसों की मांग करता है Does Lencho's letter reach God? अब हमें इस स्टोरी में ये देखना है कि क्या लेंचो का जो ये पत्र है वो ईश्वर तक पहुंचता है Does God send him the money? और फिर क्या ईश्वर उसे पैसे देते हैं भेजते हैं Think what your answers to these questions would be. आप अपने आप में सोचो कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या हो सकता है And guess और उस चीज का अनुमान लगाओ कि how the story continues, कि आगे स्टोरी किस तरह से बढ़ती है बिफोर यू बिगिन टू रीड इट इससे पहले कि हम लोग कहानी को स्टार्ट करें तो हम लोग यहां पर देखते हैं जो है स्टोरी को स्टार्ट करते हैं क्या है स्टोरी द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली एक घर जो पूरे घाटी में इकलौता है सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल तो क्रेस्ट का मतलब क्या होता है टॉप ऑफ द हिल जो पहाड़ी के एकदम टॉप पर स्थित है फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर और इस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता है एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न ठीक है तो कॉर्न क्या होता है मकाई तो वहां से मकाई पके मकाई के खेतों को देख सकता है डॉटेड विद द फ्लावर्स और ये जो मकाई के जो खेत हैं ये
उनमें फूल भी लगे हुए हैं, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो जो जिस बात को हमें बताता है कि उससे हमें पता चलता है कि जो फसल है वो इस साल बहुत ही अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ सावर। तो यहां पे आपको डाउनपोर दिया गया है। डाउनपोर का मतलब क्या होता है? मूसलाधार बारिश। और सावर का मतलब क्या होता है? एक माइल्ड रेनिंग। तो अब इस फसल को जो जरूरत थी, इस पृथ्वी को जो जरूरत थी, पृथ्वी का यहां से मतलब है कि फील्ड को, तो इस फसल को जो जरूरत थी वो सिर्फ और सिर्फ या तो एक बारिश हो जाती मूसलाधार, या फिर थोड़े बहुत सावर ही यहां पे आ जाते, थोड़ी छोटी बारिश ही हो जाए तो भी ये फसल बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, और पूरे सुबह लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली मतलब क्या होता है? बहुत करीब से, बहुत नजदीक से, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो पूरे सुबह जो था लेंचो क्या करता रहा? केवल और केवल अपने जो अपनी फसलों को बहुत करीब से जानता था, वो पूरी सुबह केवल नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व की तरफ आसमान को निहारता रहा और कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमन, द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। तो अब लेंचो यहां पे वुमन दे रखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली हिज वाइफ, हो सकता है उसकी वाइफ हो ये। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, तो ये अपनी स्त्री से कहता है कि आज हो सकता है कि बारिश हो जाए। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, और वो महिला जो भोजन बना रही थी, शाम का सपर बना रही थी, शाम के भोजन को आप सपर भी कहते हो, डिनर भी कहते हो, तो जो डिनर बना रही थी उसने उत्तर दिया, हाँ ईश्वर की इच्छा, कि जैसा ईश्वर सोचेगा उसकी इच्छा है, तो हो सकता है कि बारिश भी हो जाए। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड देम टू ऑल कम फॉर डिनर। तो ओल्डर बॉयज परहैप्स हिज सन्स, तो जो इसके बड़े बेटे थे वो सब खेतों में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे थे वो घर के पास में ही खेल रहे थे। और तभी उस औरत ने, उस स्त्री ने उनको बुलाया ये कह करके, कम फॉर डिनर, कि सब लोग आ जाओ डिनर करने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, और ये भोजन करने के दौरान ऐसा पता चला, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, तो जैसा लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, भोजन के दौरान ही बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, तो बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की वो क्या होने लगी, गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उत्तर पूर्व की तरफ जो बड़े बड़े पर्वत थे, बड़े बड़े पहाड़ थे, उन पहाड़ों की तरफ से बादल को आते हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, अब चूंकि बारिश पड़ने लगी तो जमीन से जो मीठी मीठी सुगंध आने लगी, तो हवाएं जो थी वो हवाएं ताजगी और मिठास से भर गई। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, और जो इंसान था, वो जो व्यक्ति था, यानी लेंचो जो था, वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो वो लेंचो खुशी से बाहर निकल पड़ा उस बारिश का आनंद लेने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो घर के अंदर आया, लौटा, तो वो खुशी के मारे बोल पड़ा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू क्वाइंस, कि ये जो बारिश हो रही है, ये जो बारिश की बूंदें हैं जो आकाश से गिर रही हैं, ये सिक्के हैं, ये बारिश की पानी नहीं है, ये इसकी बूंदें नहीं है, बल्कि ये क्या है, इनके सिक्के हैं। अच्छा, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5s, तो ये जो सिक्के हैं इसमें से जो बड़े बूंदे हैं वो 10 सेंट्स के बराबर हैं, और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट्स के बराबर हैं। यानी लेंचो इतना ज्यादा खुश हो गया था उस बारिश के होने की वजह से कि वो उन बूंदों को क्वाइंस समझ रहा था। और ऐसा क्यों समझ रहा था? क्योंकि जो फसल है, जब इस बारिश की वजह से बहुत अच्छी फसल होगी, जब बहुत अच्छी फसल होगी तो उसको वो मार्केट में बेचेगा और उससे पैसे कमाएगा, तो इसलिए वो अब इन बूंदों को, इन बारिश को
एक अपने क्वाइंस गोल्ड क्वाइंस की वजह से की तरह समझ रहा है. विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स. तो एक संतुष्ट भरी एक्सप्रेशन के साथ उसने खेतों को समझ लिया, जान गया, उसे लगा कि ये जो पकी फसल है अपने फूलों के साथ, ये जो पके फसल है, ये एक बारिश की एक चादर में पूरी तरह से ढक चुका था. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो. लेकिन अचानक ही मौसम का चेंज हुआ और एक स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत ही जबरदस्त हवा चली. एलंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल. और उस हवा के साथ बारिश, उस हवा के साथ जो बारिश हो रही थी, उस बारिश में हेल स्टोन्स शुरू हो गए. हेल स्टोन्स मतलब क्या होता है कि बर्फबारी होना शुरू हो गया. ठीक है, बर्फ पड़ने लगे. दीज ट्रूली डिज रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस. और ये जो बर्फ पड़ रही थी, अब ये बर्फ वास्तव में न्यू सिल्वर क्वाइंस की तरह प्रतीत हो रही थी. ऐसा लग रहा था जैसे चांदी के सिक्के गिर रहे हैं वास्तव में. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन. और जो उसके बच्चे थे लंचो के, वो सब बाहर आ गए. रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स. और इस बर्फ के टुकड़ों को कलेक्ट करने लग गए. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन. और अब वो जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति चकित होकर, सरप्राइज होकर के फिर वो बोल पड़ा कि इट्स रियली गेटिंग बैड, ये बहुत ही बुरा हो रहा है. आई होप इट पासेस क्विकली. और मैं आशा करता हूं कि ये जल्द ही गुजर जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली. लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो जल्दी नहीं गुजरा. मूसलाधार हेल स्टॉर्म होता ही रहा. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस. एक घंटे तक जो बर्फ था वो गिरती रही. कहां पर? हाउस पर, द गार्डन, बागीचे पर, हिल साइड, पूरे पहाड़ी में, द कॉर्न फील्ड और मकाई के खेतों में, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में. द फील्ड वॉज वाइट. पूरा खेत सफेद हो गया. एज इफ कवर्ड विद साल्ट. ऐसा लग रहा था मानो चारों तरफ नमक बिछ गया हो. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. वृक्षों में एक पत्ती भी नहीं बची थी. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. और जो फसल थी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. और पौधों से जो फूल लगे थे वो सारे फूल जा चुके थे. लिंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. लिंचो का जो हृदय था, उसका जो मन था, वो पूरी तरह से निराशा से भर गया. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड. ज्यों ही ये जो तूफान था वो रुका. He stood in the middle of the field and said to his sons. वो अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा, a plague of locusts. Locusts क्या होता है? ये एक प्रकार का जो है flying insect होता है जो फसलों को नुकसान करता है. तो a plague of locusts मतलब locusts जो टिड्डियां हैं, उन टिड्डियों का जो टिड्डियों का जो झुंड है वो पूरी तरह से Have left more than this. वो झुंड जो फसलों को नुकसान करती है उससे भी Sorry for technical interruption, students. हम लोग आगे देखते हैं कि लिंचो कहता है कि जितना locusts के झुंड ने फसलों को बर्बाद नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा ये जो स्नो है, इसने, स्नोफॉल ने इस खेती को बर्बाद कर दिया, यानी कुछ भी नहीं छोड़ा है इसने. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. और इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी. दैट नाइट वॉज सोरोफुल वंस. और ये जो रात है वो रात बहुत ही दुखदाई थी. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. और हमारी जितनी भी मेहनत था, वो सारा मेहनत हमारा जो है वो मिट्टी में मिल चुका है और उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकला है. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. और अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. और इस साल हम लोग पूरी तरह से भूखे रहेंगे. यहां पे कुछ ओरल कॉम्प्रिहेंशन दिए गए हैं. व्हाट डिड लिंचो होप फॉर.
लेंचो किस चीज की आशा किया था? व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ऐसा क्यों सोचा था कि जो रेन ड्रॉप्स पड़ रही हैं वो सिक्कों के समान है? हाउ डिड द रेन चेंज? बारिश किस तरह से अपना रुख बदली, किस तरह से वो चेंज हुई? व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड? और लेंचो के फील्ड को क्या हुआ, खेतों को क्या हुआ? व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड? और जब ओला पड़ना बंद हुआ तो लेंचो की फीलिंग क्या थी? ये सारी चीजें आप इसको असाइनमेंट के तौर पर इन क्वेश्चंस को अपने आप से स्वयं करने का प्रयास करें। बाकी जिस तरह की कोई समस्या, अगर किसी तरह का डाउट्स होता है तो हम लोग जैसे ही क्लासेस रिज्यूम होंगी तो हम वहां पर इन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, कि जैसा हम जानते हैं सबके हृदय में, हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, तो इस शरीर रूपी घाटी के अंदर बीचों बीच जो एक सुनसान घर में जो निवास करता है, जिसको हम सब जानते हैं कि वो कौन है, वो ईश्वर है। देयर वॉज अ सिंगल होप, और केवल एक आशा बची है उसी से, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि हम भगवान से मदद मांगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। तो रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो उसके मन से आवाज आई, उसके अंदर से आवाज आई कि डोंट बी सो अपसेट, इतना ज्यादा अपसेट मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यहां तक कि आपका सब कुछ बर्बाद हो गया है, उसके बाद भी आप अपसेट मत होइए। याद रखिए, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, और यही वजह है कि सब कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसियंस। तो पूरी रात लिंचो यही सोचता रहा, अपने सिर्फ और सिर्फ एक आशा की तरफ, कि भगवान से मदद मांगी जाए, और कोई मदद करने वाला नहीं है, और जिसकी आंखें हर चीज देख सकती हैं, यहां तक कि किसी भी इंसान के अंदर अंतरात्मा में क्या चल रहा है इस चीज को भी वो देख सकते हैं, तो इसलिए हमें भगवान से मदद मांगनी चाहिए। लिंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। तो लेंचो एक बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था। यहाँ पर ऑक्स ऑफ अ मैन से मतलब यहाँ पे यही है कि बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और बहुत मेहनत से खेतों में काम करता था, जैसे जानवर की तरह पूरा काम करता था, बहुत ही मेहनत करता था खेतों में, लेकिन इसके बावजूद भी ही न्यू हाउ टू राइट, वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है, यानी उसे लिखना पता था। द फॉलोइंग संडे, तो आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, दोपहर में, ही बिगैन टू राइट अ लेटर, वो एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वो स्वयं शहर लेकर जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल करेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो क्या था, वो एक पत्र था जिसको वो ईश्वर को भेजने वाला था, यानी भगवान के नाम का एक पत्र उसने लिखा था। ही रोट, उसने उस पत्र में क्या लिखा, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, तो उस पत्र में लेंचो लिखता है कि भगवान यदि आप हमारी मदद नहीं करते हैं तो my family and I will go hungry this year, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again, और हमें 100 पैसों की जरूरत है फिर से फसल को उगाने में, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और तब तक जीने में जब तक कि फसल फिर से तैयार ना हो जाए, बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, क्योंकि जो ओलावृष्टि हुई है उसने हमारी पूरी फसल को जो है नष्ट कर दिया है, इस तरह से डॉट 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 दिया गया, यानी पूरी कहानी उसने उस पत्र में लिखा। ही रोट टू गॉड, उसने गॉड, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और इनवेलप लिफाफे के ऊपर उसने क्या लिखा, टू गॉड, यानी ईश्वर के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, अपने अंदर लेटर को रखता है जेब में, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और फिर कष्ट उठाता है कहां के लिए, शहर के लिए, और शहर जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पहुंचकर ही प्लेस्ड अ स्टैंप ऑन द लेटर,
उसने एक स्टैंप लिया और उस लेटर के ऊपर उसको चस्पा किया, ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स और उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। वंस द वन ऑफ द एम्प्लॉइज और उस पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉई हु वॉज अ पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस और जो उस पोस्ट ऑफिस में उसकी मदद किया था, वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली, बहुत जोर से हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड और उनको भगवान के लिए पत्र लिखा हुआ, जो पत्र एक भगवान के लिए लिखा गया था उसको दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पोस्टमैन के पूरे करियर में उसने कभी नहीं देखा था ऐसा एड्रेस। द पोस्ट मास्टर और जो पोस्ट मास्टर था उस पोस्ट ऑफिस का, जो अफैट एमिएबल, जो मोटा और मिलनसार व्यक्ति था, फेलो था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन जल्द ही वो सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क और अपने डेस्क पर लेटर रखते हुए बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरे पास भी उस व्यक्ति जैसा विश्वास होता जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने ईश्वर के साथ पत्राचार शुरू किया। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमार्टर केम अप विद एन आइडिया, तो उस लेखक का भगवान के प्रति जो विश्वास था वो कहीं डगमगा न जाए, इसलिए पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, और वो आइडिया कैसा था, आंसर द लेटर, पत्र का जवाब देने का। बट व्हेन ही ओपेंड इट, लेकिन जो ही उसने, पोस्टमास्टर ने उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, तो उसमें ऐसे साक्ष्य थे दैट की टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, कि उस पत्र का जवाब देने के लिए उसे गुडविल, एक अच्छा विचार, इंक और पेपर, इन सब से कहीं ज्यादा किसी चीज की जरूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय पर टिका रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, और फिर पोस्टमास्टर ने अपने कर्मचारियों से पैसों की मांग की। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वो अपने सैलरी का भी एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके जितने भी मित्र थे, उसके बहुत से मित्रों ने इस चैरिटी के काम को करने में खुद को बहुत ही कृतज्ञ महसूस किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पेसोस, हालांकि ये असंभव था उन सबको मिलकर के 100 पैसे जुटाने में, ये एक असंभव कार्य था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन फिर भी उन लोगों ने, पोस्टमास्टर और उसके फ्रेंड्स, उसके एम्प्लाइज मिल करके आधे जितना उसने पैसे मांगे थे, उस पैसों का आधे से थोड़ा ज्यादा जुटाने में सक्षम हो गए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने पैसों को लिफाफे में रखा, एड्रेस्ड टू लेंचो को संबोधित किया उस पत्र में, विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, और एनवेलप के ऊपर गॉड का सिग्नेचर करके उसे जो है रख दिया। ओनली ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, यहाँ पे भी एक बार फिर से हम लोग देखते हैं ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक का क्या, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, इसमें पूछा जा रहा है कि किसमें लेंचो का जो विश्वास था वो किसमें था, व्हाट डिड ही डू, और जिसमें उसका विश्वास था उसने क्या किया। हु रीड द लेटर, पत्र को किसने पढ़ा, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन, और तब पोस्टमास्टर ने क्या किया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, तो अगले संडे को लेंचो थोड़ा पहले ही आ गया, एज यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, ये पता लगाने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और ये पोस्टमैन जो था वो स्वयं ही उसको पत्र को उसे दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस,
तो जबकि जो पोस्टमास्टर था वो इस बात का अनुभव कर रहा था, इस बात को एक्सपीरियंस कर रहा था उस व्यक्ति के संतुष्टि को, कि उसे ऐसा फील हो रहा था कि वास्तव में उसके लिए पत्र आया हुआ है, और ये हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, और जिस पोस्टमास्टर ने एक अच्छा कार्य किया था, लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से बैठ करके उस व्यक्ति के संतुष्टि संतुष्ट मन को देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो को पत्र पा करके जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ, जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इस तरह से उसका विश्वास था ईश्वर के प्रति। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जो ही उसने पैसे को गिना तो वो क्रोधित हो गया, गुस्से में आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसे लगने लगा कि ईश्वर जो है वो गलती नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही ईश्वर उसके द्वारा मांगे गए पैसे को मना कर सकता था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो विंडो टू आस्क फॉर पेपर इंक। तुरंत लेंचो जो है विंडो पर पहुंचा और वहां से पेपर और इंक मांगा ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जहां पे पब्लिक बैठ करके कोई पत्र वगैरह या कुछ भी लिखते थे, उस टेबल पर बैठकर ही स्टार्टेड टू राइट, वो पत्र लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और उसके अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने में जो प्रयास करते वक्त उसकी जो भौहें सिकुड़ रही थी, वो उसकी जो आंखों की जो भौहें थी वो मतलब रिंकलिंग कर रही थी, जिस तरह से वो लिख रहा था तो उसके एक्सप्रेशन को दिखा रही थी। व्हेन ही फिनिश्ड, और जब उसने पत्र लिखना समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प, उसने विंडो वो विंडो पर खिड़की पर गया और एक स्टैम्प मांगा, विच ही लिक्ड, जिसको उसने अपने जीभ से उसको लिक किया, एंड देन अफिक्स्ड, और फिर उसको चिपका दिया उस इनवेलप पर विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उस पर अपने मुक्के से एक प्रहार किया उसको जो है चिपका करके। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो जो हुई उसने उस पत्र को मेल बॉक्स में डाला, पोस्ट मास्टर जाकर के उस पत्र को निकाल लिया। इट सेड, और उस पत्र में क्या लिखा था, उस पत्र में लिखा था कि गॉड ईश्वर ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर, कि हे ईश्वर आपसे मैंने जिन पैसों की मांग की थी, ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी, केवल 70 पैसे उसमें से हमारे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, और जो बचा हुआ अमाउंट है उसको हमारे पास भेज दीजिए, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप इसे हमें मेल से मत भेजिए, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लाइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ये सब बहुत ही बेईमान हैं, और लास्ट में अपना लेंचो लिख करके साइन किया। तो अब लेंचो को यही लग रहा था कि जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं उसने उसके 30 रुपीज को निकाल लिए हैं, इसलिए भगवान से उन्होंने दोबारा लेटर लिखा, और उसमें 70 पैसे के अलावा जो 30 पैसे बचता है, उस 30 पैसे की डिमांड की थी कि अब आप उसे भेजिए, लेकिन मेल के थ्रू मत भेजिए, उसे आप ऐसे ही भेज दीजिए। तो फिर से यहाँ पे ओरल कॉम्प्रेंशन के आधार पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, कि लेंचो को पैसे में वो इनवेलप में पैसे पा करके क्या उसको सरप्राइज हुआ, उसको आश्चर्य हुआ। व्हाट मेड हिम एंग्री, और ऐसी कौन सी बात थी जो लेंचो को क्रोधित कर दी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के बेस्ड पे आप अपने आंसर्स को लिखें और नोटबुक में, और फिर जैसे ही क्लास रिज्यूम होती है आप हमें उसे चेक कराएं। और ये वीडियो आप सब, आप जिनके पास मोबाइल है, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, शेयर करके ताकि सबको ये मिल सके, और आप लोग लॉकडाउन के दौरान अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और नियमित रूप से वीडियो को देखते रहें ताकि आपका समय भी नुकसान ना हो। ठीक है, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और स्टे सेफ, स्टे इन होम। थैंक यू।